नेक्स्ट है आपके पास 14.6। इसके स्टेट में बताएं टू रेजिस्टेंस आर सी 6 किलो ओम्स एंड 12 किलो ओम्स, यानी आर वन है ये आपके पास 6 किलो ओम्स और आर टू आपके पास क्या है 12 किलो ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें क्या था सीरीज में, इसमें क्या आपके पास ये पैरेलल सिक्स वोल्ट बैटरी वी इज इक्वल टू 6 वोल्ट इस कनेक्टेड अक्रॉस इट सेम फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, सेम चीजें आपने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट, कहते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करने फर्स्ट, उसके बाद एक करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट आपने फाइंड करनी है I1 और I2 और आपने इसका पोटेंशियल सीरीज आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब आपने सीरीज में पढ़ा था तो आप सिंपली इसको आप प्लस कर रहे थे, तो इस सूरत में क्या होगा आपके पास आप इसको जो है 1/ में ये चला जाएगा, ए पार्ट जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/ आर 1 प्लस 1/ आर 2, 1/ आर इक्विवेलेंट 1/ 6 प्लस 1/ 12। इसका आप एलसीएम ले 12, 6 2 12, 12 1 12, तो 1/ आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3/12, 3 1s इसको आप कैंसिल करें 3 1s और 3 4s 12, 1/ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4। अभी आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4, आपके पास क्या आ जाएगा ये 4 क्या है किलो किलो ओम्स आपके पास आर इक्विवेलेंट। सेकेंडली आपने क्या फाइंड करना है इसका, आपने इसका फाइंड करने हैं करंट्स I1 I2, तो करंट आप फाइंड करेंगे आपके पास ओम ला के आए वी इज इक्वल टू IR, ठीक है आपके पास जो है वी इज इक्वल टू IR आपने फाइंड करना है इसमें से I1 इस इट मीन्स V1 और ये I1 और ये R1, I1 इज इक्वल टू V1/R1, ठीक है V1 का क्या मतलब है आपके पास यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इस सूरत में जो होता है वो क्या होता है वो सेम ही है, वो क्या आपके पास यानी 12, वो आपके पास क्या है सॉरी 6 वोल्ट, वो आपके पास क्या है 6 वोल्ट। इन दोनों सूरत में जब भी आपके पास रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड होगी पैरेलल में तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो I1 इज इक्वल टू 6/ R1 आपके पास क्या है 6 किलो ओम्स, तो 6 किलो ओम्स है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना, पहले आपने इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 10³, ठीक है 6/6 × 10³, देयरफॉर क्या आपके पास क्या चीज़ है 6 किलो ओम इज इक्वल टू 6 × 10³। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो I1 जो है ये 1/10³ एम्पियर, I1 इज इक्वल ये आपके पास आएगा 10⁻³ मान लें 3 एम्पियर, जिसको आप मिली एम्पेयर में भी ले सकते हैं, इट मीन्स कि I1 आपके पास क्या होगा 1 mA। इसी तरह सेकंड आपने क्या फाइंड करना है I2 V2/R2 होगा, यानी V2/R2 आपके पास R2 क्या है 12 किलो ओम्स, तो इसको भी 12 किलो ओम्स को आपने पहले ओम्स में कन्वर्ट करना है 12 × 10³ ओम, तो I2 जो है ये आपके पास होगा 6/12 × 10³, 6 1 6 12, I2 आपके पास क्या है 1/2 × 10³, इट मीन्स कि 1/2 × 10⁻³, 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5
आपके पास क्या रहेगा, ये 0.5 I2 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर माइनस 3 एम्पीयर, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं I2 इज इक्वल 0.5 मिली एम्पीयर। तो ये तीनों आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I1 I2 और V जो है आपके पास क्या होगा, इस सूरत में जब पैरेलल है तो इस सूरत में आपके पास जो है V जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, जब आपके पास जो सीरीज में था तो सीरीज में आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, लेकिन जब आपके पास ये पैरेलल में आएगा तो आपके पास जो है ये V जो है वो दोनों में सेम होगा, यानी सी जो है आपके पास V जो है ये आपके पास क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट जो है इन दोनों रेजिस्टेंस में आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस।